नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड ये मेरा दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर जो था वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, डेफिनेशन, एडवांटेजेस एंड इट्स लिमिटेशंस पर था, जिसे आई होप आप सभी ने देखा होगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वी कैन कैटेगराइज कंप्यूटर इन टू वेज, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज एंड साइज। जो कंप्यूटर है उसे हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के बिहाफ पे और दूसरा उसके साइज के बिहाफ पे। अगर बात करें कि डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के बेसिस पर, जो हमारा कंप्यूटर है वो तीन तरह के होते हैं। एक तो है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए देखते हैं सभी को बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। ये जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, इसे डिजाइन किया जाता है कि ये एनालॉग डेटा को प्रोसेस कर सके। एनालॉग डेटा जो होता है वो आपका कंटिन्यूस डेटा होता है, जो कंटिन्यूसली यानी कि लगातार बदलता रहता है, और इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं होती हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज का इन द सेंस आप समझिए कि उसमें डेसिमल नंबर्स नहीं होते हैं, वो होल नंबर्स में होती हैं उनकी वैल्यू। वी कैन से डैट एनालॉग कंप्यूटर आर यूज वेयर वी डोंट नीड एग्जैक्ट वैल्यूज ऑलवेज, सच एज स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर एंड करेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनालॉग कंप्यूटर है उसका हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि स्पीड को नापने में, टेम्परेचर को नापने में, प्रेशर को मापने में, करंट को मापने में, है ना। स्पीड अगर 45.6 किलोमीटर पर आ रहा है तब भी ठीक है, उसको हम राउंड अप करके 46, 47 ही मानते हैं, यानी होल नंबर में भी स्पीड की बात करते हैं। टेम्परेचर भी लगभग होल नंबर में बात किया जाता है कि 32 डिग्री टेम्परेचर था, 31 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर था। एनालॉग कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू नंबर्स एंड कोड। तो ये जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, ये डायरेक्टली सीधा जो है वो मेजरिंग डिवाइस की हेल्प से वो डेटा को एक्सेप्ट करता है, बिना उस डेटा को किसी नंबर या फिर कोड के रूप में कन्वर्ट किए हुए। वो डायरेक्टली जो है मेजरिंग डिवाइस होती है, उस मेजरिंग डिवाइस के हेल्प से वो डेटा को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेता है एनालॉग कंप्यूटर आपका। दे मेजर्स द कंटिन्यूअस चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटी एंड जनरली रेंडर आउटपुट एज अ रीडिंग ऑन अ डायल और स्केल। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो कंटिन्यूअस चेंजेस होते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, ये उसको मेजर करता है एनालॉग कंप्यूटर, और जो इसकी रीडिंग होती है ठीक है वो डायल या फिर स्केल के रूप में हमें दिखती है, जैसे स्पीडोमीटर होता है आपका, मर्करी थर्मामीटर होता है, ये सब एक एनालॉग कंप्यूटर है। स्पीडोमीटर गन की तरह होता है, आपने देखा होगा कि बस ऐसे सामने करते हैं और सामने से कोई फोर व्हीलर गुजर रही होती है तो हमें पता चल जाता है कि उसकी स्पीड कितनी है ना। ऐसे ही मर्करी जो थर्मामीटर होता है रूम के टेम्परेचर को आराम से बता देता है कि 25 डिग्री सेल्सियस है या 28 डिग्री सेल्सियस है या 32 डिग्री सेल्सियस है। ये सब क्या है, ये एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। चलिए बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइंड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। डिजिटल कंप्यूटर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो जो भी कैलकुलेशंस हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं उनको बहुत ही हाई स्पीड के साथ परफॉर्म करे। इट एक्सेप्ट द रॉ डेटा एज इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स और बाइनरी नंबर्स। ये जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं ये रॉ डेटा एक्सेप्ट करते हैं ठीक है एज अ इनपुट, और वो जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो डिजिट्स या फिर बाइनरी नंबर्स जो होते हैं हमारे 0 और 1, वो इसी फॉर्म में होते हैं। तो 0 और 1 के फॉर्म में वो डेटा को एज अ इनपुट, रॉ डेटा को एज अ इनपुट जो है एक्सेप्ट करता है और देन उसको प्रोसेस करता है। इट विद प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी टू प्रोड्यूस द आउटपुट। और प्रोसेस किस तरह से करता है कि जो प्रोग्राम उसके मेमोरी में स्टोर्ड है ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसको प्रोसेस करेगा
और हमें आउटपुट हमारा दे देगा। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर लाइक लैपटॉप्स डेस्कटॉप्स इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स दैट वी यूज एट होम और ऑफिस आर डिजिटल कंप्यूटर्स। आज के समय में आप जो भी अपने लैपटॉप डेस्कटॉप या फिर जो आप भी के स्मार्टफोन्स हैं जिसे आप अपने घरों पे ऑफिस में यूज कर रहे हैं उपयोग कर रहे हैं वो सभी क्या हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर ही हैं। बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। इसके पास दोनों फीचर होते हैं, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों के फीचर हाइब्रिड कंप्यूटर में पाए जाते हैं। इट इज फास्ट लाइक एन एनालॉग कंप्यूटर, ये एनालॉग कंप्यूटर की तरह ही बहुत ही फास्ट होता है। एंड हैज मेमोरी, इसके पास मेमोरी भी होती है। एंड एक्यूरेसी लाइक डिजिटल कंप्यूटर्स, और इसमें इसके पास जो रिजल्ट जो आउटपुट होता है उसमें जो एक्यूरेसी होती है वो डिजिटल कंप्यूटर की तरह ही होता है। इट कैन प्रोसेस बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डेटा, ये दोनों तरह के डेटा को प्रोसेस कर सकता है ना, कंटिन्यूस डेटा को भी और डिस्क्रीट डेटा को भी ये प्रोसेस कर सकता है। इट एक्सेप्ट्स एनालॉग सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्म बिफोर प्रोसेसिंग, ये क्या करता है कि एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है और देन उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करता है। सो इट इज वाइडली यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस वेयर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा इज प्रोसेस्ड। तो ये बहुत ही बड़े पैमाने पे कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पर बहुत ही स्पेशलाइज्ड वर्क होते हैं, जहाँ पर हमें जरूरत होती है एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के डेटा को प्रोसेस करने का। जैसे फॉर एग्जांपल अ प्रोसेसर इज यूज्ड इन पेट्रोल पंप्स दैट कन्वर्ट द मेजरमेंट ऑफ फ्यूल फ्यूअल फ्लो इनटू क्वांटिटी एंड प्राइस। तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप से एक प्रोसेसर का यूज किया जाता है जो क्या करता है कि कन्वर्ट करता है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फ्यूल फ्लो। एक तो वो मेजर करता है कि फ्यूल फ्लो कितना हो रहा है उसकी क्वांटिटी, और साथ ही उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसको प्राइस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सिमिलरली दे आर यूज्ड इन एयरप्लेन्स हॉस्पिटल्स एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। और इसी तरह से ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं इनका हम यूज़ करते हैं एयरप्लेन्स में या अस्पतालों में या साइंटिफिक, इसके और भी एप्लीकेशंस हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बिहाफ पे जो हमारा ये कंप्यूटर है वो पांच तरह का होता है। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स। ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ये सबसे, ये बहुत ही मतलब बड़े सबसे बिगेस्ट हैं, अभी तक के जो कंप्यूटर हैं उसमें बिगेस्ट हैं प्रेजेंट टाइम में जो यूज़ हो रहे हैं, और सबसे फास्ट काम करते हैं। दे आर डिजाइंड टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है ये बहुत बड़ा अमाउंट मतलब बहुत बड़ा डेटा है, लार्ज डेटा है, तो उसको भी ये प्रोसेस कर सकता है। सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड। जो सुपर कंप्यूटर होता है वो बहुत ही ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एक सेकेंड में भी प्रोसेस कर लेता है, विद इन सेकेंड ये प्रोसेस कर लेता है ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस अगर इसको एक साथ दिए जाते हैं। इट हैज थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स, इसमें लगभग हजारों इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स लगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर पर्टिकुलरली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस सच एज वेदर फॉरकास्टिंग साइंटिफिक साइमल्टेशंस एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च। ये जो सुपर कंप्यूटर्स है इसको बेसिकली हम लोग साइंस सेक्टर में या इंजीनियरिंग सेक्टर में हम इसको यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि वेदर को फॉरकास्ट करने के लिए या फिर कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन हमें करने हैं जैसे न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च वगैरह में, तो वहाँ पर हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जो सबसे पहला यानी फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप किया था उसे रॉबर्ट ग्रे ने किया था इन 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर जो है इसे डेवलप किया गया था। डेवलप किया था किसने, रॉबर्ट ग्रे ने, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम। नेक्स्ट बात करते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेनफ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं इसको हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि ये हंड्रेड्स या थाउजेंड्स यूजर को एक साथ सपोर्ट करे, यानी जहाँ पे किसी एक सिस्टम में एक सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के अंदर लगभग
सैकड़ों या हजारों यूजर्स एक साथ बैठ करके यूज कर रहे हो तो वो उसको सपोर्ट करे। मेन फ्रेम कंप्यूटर इस तरह से डिजाइन किया जाता है, दे कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक टाइम पे एक साथ सपोर्ट कर सकता है। इट मीन्स दे कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोसेस साइमल्टेनियसली। इसका मतलब कि ये साथ साथ बहुत सारे प्रोसेसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है। दीज फीचर्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर मेक देम आइडियल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंकिंग एंड टेलीकॉम सेक्टर्स विच नीड टू मैनेज एंड प्रोसेस अ हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट रिक्वायर्स इंटीजर ऑपरेशन सच एज इंडेक्सिंग कंपेरिजन एटसेट्रा। तो ये जो इसके खास फीचर्स हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के, ये इसे बहुत ही आइडियल बनाते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जैसे कि वो आपका बैंकिंग सेक्टर हो या टेलीकॉम सेक्टर हो, ठीक है, जिसमें वो मैनेज करना चाहते हैं या फिर डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं बहुत ही हाई लेवल पर, ठीक है। और इसके साथ वो कई सारे ऑपरेशंस को एक साथ कर सकते हैं या जब उन्हें कंपेरिजन करना होता है तो इस तरह के मेन फ्रेम कंप्यूटर के हेल्प से वो इस सिस्टम के हेल्प से वो जो उसको आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिनी फ्रेम और मिनी कंप्यूटर के बारे में। इट इज अ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर। ये मिड साइज का मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्रोसेसर्स एंड कैन सपोर्ट 4 to 200 यूजर एट वन टाइम। इसमें दो या दो से ज्यादा भी प्रोसेसर्स होते हैं जो लगभग 4 या 4 से लगभग 200 यूजर्स को जो है एक साथ एक टाइम पे सपोर्ट करते हैं। मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंस्टीट्यूट्स एंड डिपार्टमेंट्स फॉर टास्क सच एज बिलिंग अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो आप लोग देखे होंगे कि इंस्टीट्यूट्स में जैसे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग जगह पर फीस जमा होती है, तो एक ही सॉफ्टवेयर को ओपन करके बहुत सारे लोग बिलिंग का काम करते हैं या फिर अकाउंटिंग का काम करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो मिनी फ्रेम कंप्यूटर की हेल्प से हम इन चीज़ों को आसानी से कर लेते हैं। मिनी कंप्यूटर लाइज बिटवीन द मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर एंड इट इज स्मॉलर देन मेन फ्रेम बट लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। ये जो मिनी फ्रेम आपका कंप्यूटर है ये मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में आता है। ये स्मॉल होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपेरिजन में और लार्ज होता है माइक्रो कंप्यूटर के कंपेरिजन में। बात करें वर्क स्टेशन के बारे में, तो वर्क स्टेशन इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर दैट इज डिजाइंड फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस। वर्क स्टेशन क्या होता है कि एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है जिसे डिजाइन किया जाता है कुछ टेक्निकल वर्क उससे लेने के लिए या फिर साइंटिफिक वर्क लेने के लिए हम उसे डिजाइन करते हैं। इट हैज अ फास्टर माइक्रो प्रोसेसर, इसमें बहुत ही फास्ट माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ रैम, जो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है काफी लार्ज होती है। हाई स्पीड होता है, ग्राफिक एडाप्टर भी होता है साथ में। इट जनरली परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब विथ ग्रेट एक्सपर्टाइज अकॉर्डिंग दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप सच एज ग्राफिक्स वर्क स्टेशन, म्यूजिक वर्क स्टेशन एंड इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क स्टेशन। इसको जनरली इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी स्पेसिफिक जॉब को बहुत ही ग्रेट एक्सपर्टाइज मतलब बहुत ही अच्छे से उस काम को ये कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि ग्राफिक्स वर्क स्टेशन जहाँ पे फिर ग्राफिक्स का वर्क किया जाता है वहाँ पर इस तरह के कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। म्यूजिक वर्क स्टेशन जहाँ पे सिंगर्स अपने जो है सॉन्ग्स को गाते हैं देन उसमें एडिटिंग करते हैं, तो वो सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है वो वर्क स्टेशन है जहाँ पर जो है इस तरह के काम किए जाते हैं। ऐसे इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क स्टेशन होता है वहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे काम वर्क जो है किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज अ पर्सनल कंप्यूटर, इसे हम पर्सनल कंप्यूटर या फिर पीसी भी कहते हैं। इट इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट इज डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल यूज। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इंडिविजुअली इसे कोई यूज कर सके, मतलब कोई सिंगल यूजर जो है आसानी से इस तरह के कंप्यूटर को यूज कर सके। इट हैज अ माइक्रो प्रोसेसर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। इसके पास माइक्रो प्रोसेसर्स होता है इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेमोरीज भी होती है इसके अंदर ही, स्टोरेज एरिया भी होता है, इनपुट यूनिट भी होता है और आउटपुट यूनिट भी इसी के साथ लगा हुआ होता है।
लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। ये जो आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं वो एग्जांपल हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के। दे आर सुटेबल फॉर पर्सनल वर्क, ये पर्सनल वर्क के लिए काफ़ी सुटेबल होते हैं। दैट मे बी मेकिंग एन असाइनमेंट, वॉचिंग अ मूवी और एट ऑफिस फॉर ऑफिस वर्क, जिसमें हम अगर कोई असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं, मूवी देख सकते हैं आसानी से, या फिर हमारा कोई ऑफिस वर्क है जिसे हम आराम से ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे जो नेक्स्ट वीडियोज़ हों उनके अपडेट्स आपको आराम से मिल जाए। तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।